रोमन रेंस की मैच का हुआ ऐलान, दिग्गज के खिलाफ डिफेंड करेंगी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। गाइस जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। इस पिछले हफ्ते रोमन रेंस को सैमी ज़ेन के रूप में नया चैलेंजर मिल गया था, लेकिन इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में सभी चीजें बदल गई। ब्रॉक लेसनर ने स्मैकडाउन में वापसी की और सैमी ज़ेन के साथ उनका शुरुआती सेगमेंट हुआ। लेसनर ने इस बार रोमन रेंस से लड़ने के लिए दिमाग से काम लिया। सैमी ज़ेन को लेसनर ने डराया और ब्लू ब्रांड में रोमन रेंस के खिलाफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच लड़ने के लिए कहा। लेसनर ने सैमी ज़ेन से ये भी कहा कि वो इस मैच में उनका साथ देंगे। इसके बाद ब्रॉक लेसनर ने एक बड़ा ऐलान किया कि जो भी इस मैच में जीतेगा उनका मुकाबला डे वन पीपी में करेंगे। बैकस्टेज में सैमी ज़ेन ने सोनिया डेविल से कहा कि वो रोमन रेंस के खिलाफ मैच के लिए तैयार नहीं है। जैसे लेसनर आ गए और सैमी ज़ेन फिर डर गए। इसके बाद सोनिया डेविल ने रोमन रेंस और सैमी ज़ेन की मैच को तय कर दिया। मेन इवेंट में सैमी ज़ेन ने पहले एंट्री की, फिर लेसनर भी आ गए। लेसनर ने सैमी ज़ेन को 3 सुप्लेक्स और 2 F5 दिए। सैमी ज़ेन इसके बाद लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे। फिर गए उनका रोमन रेंस के खिलाफ मैच हुआ और रेंस ने आसानी से इस मैच में जीत हासिल कर ली। लेसनर को एक बार फिर यूनिवर्सल चैंपियन के लिए मौका मिल गया है। WWE क्राउन ज्वेल 2021 में ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। देखना होगा कि इस बार ब्रॉक लेसनर नए यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे या नहीं। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में कौन सा सुपरस्टार जीतेगा। गाइस मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।